सही समय। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मयंक डागर और अंकुश के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अपने दोस्त की पिटाई का बदला लेने के लिए मयंक और अंकुश समेत पांच लोगों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की थी। इन बदमाशों ने मंगलवार को संजय खोकर की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वो सुबह की सैर के लिए घर से निकले थे। बताया जा रहा है तीन अज्ञात बदमाशों ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन बुधवार को दो आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद पता चला कि इस हत्याकांड में पांच आरोपी शामिल थे। दिनांक 11/8/2020 को संजय खोखर पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना छपरौली पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें चार नामजद तथा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में शामिल दो अभियुक्तों मयंक और अंकुश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त मयंक के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। घटना की विवेचना की जा रही है। घटना में संलिप्त से अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल